आज हम इस वीडियो में अपडेट्स यानी इवेंट्स को देखने वाले हैं, जिसका पार्ट वन आज हम बेसिक इवेंट्स देखेंगे, यानी कुछ ही इवेंट्स देखेंगे जिनसे आपको मैं समझा सकूं कि टेलीग्राम में इवेंट्स क्या होते हैं और वो कैसे होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। जब हम टेलीग्राम पे कोई मैसेज सेंड करते हैं तो वो एक इवेंट होता है। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि अगर मैंने ये देखो टेलीग्राम ओपन किया है, यहाँ पर मैं अगर किसी भी ग्रुप में जा कर के, जैसे कि यहाँ पर ये मेरा वाला ग्रुप है और यहाँ पर सबसे लास्ट में जाता हूँ और एक मैसेज सेंड कर देता हूँ हाय, तो ये मेरा एक इवेंट हुआ। जैसे ही मैंने ये मैसेज भेजा, ये टेलीग्राम ने सबको फॉरवर्ड कर दिया। देखो यहाँ पर एक यूज़र ने मुझे रिप्लाई भी किया, और ऐसे जैसे इस यूज़र ने मेरा मैसेज देखकर मुझे रिप्लाई किया है, वैसे ही कई सारे जो बॉट्स होते हैं वो हमारे मैसेज का रिप्लाई कर सकते हैं, जो कि उनमें पहले से ही कोडिंग करके फीड किया जाता है कि किस चीज़ पर उन्हें क्या रिप्लाई करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक स्टार्ट लिखता हूँ, START, तो ये मैंने एक इवेंट किया। जो मैंने ये इवेंट किया, उस इवेंट पर कई सारे बॉट्स ने प्रतिक्रिया दी, जैसे कि ये बॉट ने भी प्रतिक्रिया दी और ये बॉट ने भी बोला उसके मुताबिक जो इस बॉट में फीड किया गया था, और ये बॉट ने, और ऐसे ही कई सारे बॉट ने जो उनके में फीड था उन्होंने अपना अपना रिप्लाई किया। तो मैंने यहाँ पर अभी क्या किया था, एक मैसेज भेजा था जो कि एक मैसेज इवेंट है। अब चलो मैं एक दूसरा इवेंट दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ कोई भी एक ग्रुप, जैसे कि टेलीग्राफ का ही ग्रुप मैं ज्वाइन करता हूँ, ये टेलीग्राफ का ग्रुप मैं ज्वाइन करता हूँ और यहाँ पर मैं ज्वाइन किया, तो यहाँ पर ये जो मैं ज्वाइन किया तो ये भी एक इवेंट है। ये मैसेज इवेंट नहीं है, ये चैट ज्वाइन इवेंट है। अब इस इवेंट को जो मैंने ज्वाइन किया है इस चैट को, तो इस चैट में जो भी बॉट्स होते अगर उनमें वेलकम मैसेज सेट किया जाता तो वो तुरंत इसका रिप्लाई कर देते, लेकिन ये जो इवेंट है ये चैट ज्वाइन इवेंट है, ये मैसेज इवेंट नहीं है। यानी मैंने किसी को मैसेज यहाँ पर नहीं किया है, मैंने बस चैट को ज्वाइन किया है, तो ये भी इवेंट बॉट्स सुन सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि बॉट्स कैसे सुन सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जैसे कि ज्वाइन करता हूँ अपना कोई भी ग्रुप, इग्नू RC लखनऊ, तो यहाँ पर ये लखनऊ ग्रुप आ चुका है। इसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पर ज्वाइन करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही ज्वाइन किया तो ये देखो इसने बोला हाय लोल, क्योंकि मैंने अपनी आईडी पर अपना नाम लोल रखा है, तो इसीलिए यहाँ पर बोला हाय लोल वेलकम टू ISC, बिफोर आस्किंग एनीथिंग काइंडली सी आवर हेल्प्स विच ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये मैंने पहले से ही इसमें सेट करके रखा है कि अगर कोई भी चैट को ज्वाइन करता है तो ये जो मेरा बॉट इग्नू स्टडी सेंटर बॉट है, ये उस यूज़र को रिप्लाई में कहेगा हाय और उसका नाम लेगा और उसके बाद में बोलेगा वेलकम टू ISC। तो ये सारी चीज़ मैंने इसमें पहले से फीड करके रखी है, यानी कोड करके रखी है। तो इसी के कारण जब मैंने यहाँ पर चैट ज्वाइन किया तो इस बॉट को तुरंत पता चल गया कि यहाँ पर एक इवेंट अगर हुआ है, और वो कौन सा इवेंट है, चैट ज्वाइन इवेंट हुआ है, और उसको इसने तुरंत जान लिया। और इसी तरह अगर मैं इन बटन्स में से किसी पर भी क्लिक करता हूँ तो ये बटन्स में यहाँ पर मैसेज टाइप करके कुछ नहीं भेज रहा हूँ, ना कि वीडियो या फिर कुछ भी ऐसा मैसेज नहीं भेज रहा हूँ, मैं यहाँ पर इन बटन्स को क्लिक कर रहा हूँ, जो कि ये एक मैसेज इवेंट नहीं होगा। जब मैं बटन्स को क्लिक करूँगा तब ये मैसेज इवेंट नहीं होगा, मैसेज इवेंट की बजाय ये कॉल बैक क्वेरी इवेंट होगा। तो ऐसे कई सारे इवेंट होते हैं जो टेलीग्राम पर होते हैं, जिनका हम यूज़ करके अपने बॉट्स को कई सारी अपडेट्स को लिसन करवा सकते हैं और उनका रिप्लाई करवा सकते हैं। तो अभी आप लोग इवेंट्स और अपडेट्स के बारे में हल्का फुल्का जान गए होंगे कि इवेंट्स कैसे होते हैं। अब हम यहाँ पर आगे पढ़ते हैं। ऐसे ही जब हम टेलीग्राम में किसी ग्रुप चैनल को ज्वाइन करते हैं तो वो भी एक इवेंट होता है, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया, चैट ज्वाइन इवेंट। ऐसे कई सारे इवेंट्स होते हैं जिनको टेलीग्राम बॉट्स लिसन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जब टेलीग्राम बॉट बनाएंगे, यानी उसको कोड करना स्टार्ट करेंगे, तो उन इवेंट्स को सुनेंगे कैसे, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर ये बेसिक स्ट्रक्चर है टेलीग्राफ लाइब्रेरी का। पहले पैरामीटर में इवेंट का नाम देना है और दूसरे पैरामीटर में फंक्शन देना है।
फंक्शन या फिर कॉल बैक या फिर लिसनर जो भी आप बोलना चाहो उसको बोल सकते हो। तो यहाँ पर पहले पैरामीटर में मुझे इवेंट का नाम देना है, जो कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल में आपको देकर दिखाया है कि मैंने यहाँ पर पहले पैरामीटर में मैसेज इवेंट को दिया है, यानी ये जो लिसनर है वो मैसेज इवेंट को लिसन करेगा और यहाँ पर उस कॉल बैक फंक्शन को दे देगा। ये जो यहाँ से यहाँ तक है ना, ये फंक्शन है। आपने अगर जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप लोग मेरा 2 घंटे का जो नोड जेएस का वीडियो है उसको देख सकते हैं, जिससे आपको इसके बेसिक्स क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पर मैं इसको आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ कि पहले में क्या होता है इवेंट का नाम और दूसरे में फंक्शन, या फिर उसको कॉल बैक भी बोल सकते हैं। कॉमा से पहले ये यहाँ तक पहला पैरामीटर और कॉमा के बाद में ये यहाँ पर दूसरा पैरामीटर जो कि एक फंक्शन है। और फंक्शन में मुझे कौन सी अपडेट मिलती है, CTX में कई सारी चीज़ें हमको मिल जाती हैं जिनको हम बाद में यहाँ पर देखेंगे कि जब भी मैसेज कोई भी वहाँ पर टेलीग्राम पे भेजा जाएगा तो यहाँ पर CTX में कई सारी चीज़ें हमको मिल जाएंगी, जिनको हम console.log करके यहाँ पर टर्मिनल में देख सकते हैं कि क्या क्या मैसेज इवेंट अकर हो रहे हैं, जो कि मैं आपको बाद में समझाऊँगा अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताया है और बेसिक स्ट्रक्चर के साथ में शुरुआत किया है। यहाँ पर लिखा है वी कैन आल्सो यूज़ एरो फंक्शंस विच यू ऑलरेडी नो। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि एरो फंक्शन होता क्या है, जो कि मैंने नोड जेएस के वीडियो में बताया है। अगर आपको एरो फंक्शंस के बारे में नहीं पता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर दूसरे पैरामीटर में कॉमा के बाद में दूसरा पैरामीटर होता है, तो दूसरे पैरामीटर में हमने क्या दिया, एरो फंक्शन, जो कि इस फंक्शन की तरह ही होता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो एरो फंक्शन है इसको हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने दूसरे पैरामीटर में एरो फंक्शन का यूज़ किया है। एरो फंक्शन और ये जो नॉर्मल फंक्शन होता है इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। ये पहले के ज़माने में यूज़ होने वाला फंक्शन है और ये लेटेस्ट फंक्शन है। तो यहाँ पर पहले में क्या है, इवेंट का नाम, ये CTX जो कि कॉन्टेक्स्ट होता है, इसको मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि इसमें क्या क्या होता है और कैसे कैसे इसका हम यूज़ कर सकते हैं टेलीग्राम से कम्युनिकेशन करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने अभी सारे इवेंट्स को लिख दिया है, जैसे कि मैसेज इवेंट, कॉल बैक क्वेरी इवेंट, इनलाइन क्वेरी इवेंट, चैट ज्वाइन रिक्वेस्ट इवेंट, और वैसे कई सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने मेन जो इवेंट होते हैं, क्योंकि आज ये इवेंट्स का बेसिक वीडियो है, तो मैंने बेसिक वीडियो के लिए ये कुछ जो मेन इवेंट होते हैं उनको ही यहाँ पर दिखाया है। ये पहले में मैसेज इवेंट है, दूसरे में कॉल बैक क्वेरी इवेंट है, और तीसरे में इनलाइन क्वेरी इवेंट है, और चैट ज्वाइन रिक्वेस्ट इवेंट है। अभी चैट ज्वाइन रिक्वेस्ट वाला मैंने आपको दिखाया था और मैसेज वाला दिखाया था और कॉल बैक क्वेरी वाला भी दिखाया था। बटन पर क्लिक करने पर जो भी इवेंट होता था उसको हम बोल रहे थे कि ये कॉल बैक क्वेरी इवेंट होता है। लेकिन अभी मैंने आपको इसको कोडिंग में नहीं दिखाया है कि कोडिंग में ये कैसे दिखता है, कि जब भी हम उसको प्रेस करते हैं तो यहाँ पर कैसे वो क्या होगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको अभी नहीं बताई है। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। ये पहले वाले में क्या है कि जब भी मैसेज आएगा तो उसको यहाँ पर लिसन करके CTX.message करेंगे, तो यहाँ पर हम CTX.message में ये पाएंगे कि मैसेज की सारी चीज़ें उसमें होंगी, जैसे कि मैसेज का टेक्स्ट, मैसेज किसके द्वारा भेजा गया है, मैसेज किस चैट में भेजा गया है, ये सारी चीज़ें CTX.message में यहाँ पर हमको मिलेंगी, जिनका हम रिप्लाई भी यहीं से कर पाएंगे। दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला है कॉल बैक क्वेरी का इवेंट। जब भी बॉट में कोई कॉल बैक क्वेरी आती है तो यहाँ पर आएगी, इस वाले में CTX.callbackquery नाम से एक हमको अपडेट मिलेगी, जिसका हम यूज़ करके उसमें से हम जान पाएंगे कि किसके द्वारा है, कौन सा मैसेज, कौन सी बटन पे क्लिक किया गया है, सारी चीज़ें इसमें पता चल जाएंगी, क्योंकि ये कॉल बैक क्वेरी बटन्स का होता है, तो ये सारी चीज़ें हम जान जाएंगे। और ये ऐसे ही इनलाइन क्वेरी और ऐसे ही चैट ज्वाइन रिक्वेस्ट। चैट ज्वाइन रिक्वेस्ट में क्या आएगा, चैट ज्वाइन रिक्वेस्ट में ये आएगा कि कौन ज्वाइन कर रहा है और किस चैट में ज्वाइन कर रहा है और उस चैट का नाम, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कई सारी चीज़ें इसमें आती हैं, जो कि हमको इस लिसनर से पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हमको इसमें मिलने वाली हैं। मैसेज वाले जितने भी इवेंट होंगे वो इसमें आएंगे, कॉल बैक क्वेरी वाले जितने भी इवेंट होंगे वो यहाँ पर आएंगे, इनलाइन क्वेरी वाले जितने भी इवेंट होंगे वो यहाँ पर आएंगे,
और चैट ज्वाइन रिक्वेस्ट जब भी कोई यूज़र करेगा वो यहाँ पर आएंगे और यहाँ से हम उसका रिप्लाई कर सकते हैं किसी भी तरीके से, चाहे बटन से करें यानी नई बटन उसके सामने शो कर दें, या फिर टेक्स्ट यानी कि मैसेज उसको सेंड कर दें, या वीडियो फ़ोटो कुछ भी सेंड कर दें, तो हम यहाँ पर इन सब से कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हम इसको प्रैक्टिकली नेक्स्ट वीडियोज़ में देखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो इस सीरीज़ को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।